आज की कड़ी में हम महान शहीद रामप्रसाद बिस्मिल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका जन्म 1897 में 11 जून को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। 1918 में मैनपुरी षड्यंत्र और 1925 में काकोरी षड्यंत्र में बिस्मिल की भूमिका महत्वपूर्ण थी। बिस्मिल एक देशभक्त कवि थे। वे राम, अज्ञात और बिस्मिल उपनाम से हिंदी और उर्दू में लिखा करते थे। ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध उद्घोष के रूप में उनकी कलम से निकली कविताएं सरफरोशी की तमन्ना, मन की लहर और स्वदेशी रंग अमर हो गईं। भगत सिंह ने हिंदी और उर्दू के एक महान कवि के रूप में उनकी सराहना की, जिन्होंने अंग्रेजी से कैथरीन और बंगला से बोल्शेविकों की करतूत पुस्तक का अनुवाद भी किया था। साथी क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां वारसी से बिस्मिल की मित्रता एक मिसाल थी। इन दोनों को रोशन सिंह के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों के आरोप में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। रामप्रसाद बिस्मिल का अंतिम संदेश, जिसे उन्होंने 16 दिसंबर 1927 को लिखा था, कीर्ति पत्रिका में प्रकाशित हुआ। फांसी का समय 19 दिसंबर सुबह 6:30 बजे तय हुआ है। चिंता की कोई बात नहीं, ईश्वर की कृपा से मैं फिर जन्म लूंगा, बार बार जन्म लूंगा। मेरा लक्ष्य होगा विश्व के लिए पूरी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, ये सुनिश्चित करना कि प्रकृति के उपहारों में सबकी समान साझेदारी हो और कोई भी दूसरों पर शासन न करे। प्रत्येक स्थान पर लोगों की लोकतांत्रिक संस्थाएं हों। देशवासियों से मेरा केवल एक अनुरोध है कि हमारी मौत पर यदि उन्हें जरा सा भी दुख हो तो उन्हें किसी भी तरह हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा स्थापित करना होगा। यही हमारी अंतिम इच्छा है और यही हमारा स्मृति चिन्ह भी रहेगा। जो कुछ मैं कह रहा हूँ वही अशफाक उल्ला खां वारसी का भी कहना है। युवाओं से मेरा अनुरोध है कि जब तक अनेक लोग शिक्षित और जागरूक न हो जाएं, गुप्त संगठनों पर ध्यान न दें। यदि देश की सेवा करने की इच्छा है तो खुले रूप से काम करें। केवल सैद्धांतिक बातें सुनकर और कल्पना लोक में विचरण कर उन्हें अपने जीवन को कठिनाई में नहीं डालना चाहिए। आज हम स्वतंत्रता सेनानी रुद्र प्रताप सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण 11 जून 1941 को गिरफ्तार किया गया था। रुद्र प्रताप सिंह का जन्म मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर में 1916 में हुआ था। उन्हें सत्याग्रह में भाग लेने के कारण डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत 6 महीने के कारावास की सजा दी गई। इसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने पर उन्हें कैद कर लिया गया और जून 1943 से मार्च 1945 के बीच नरसिंहपुर, नागपुर और जबलपुर की जेलों में रखा गया। हिरासत में मौत के आरोपों से बचने के लिए उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन रिहाई के तुरंत बाद यातनाओं की वजह से जर्जर हो चुके स्वास्थ्य के कारण उनकी मृत्यु हो गई। आज हम शहीद सिकंदर का भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। सिकंदर ने कंपनी शासन के खिलाफ विरोध में भाग लिया और अन्य लोगों को भी आंदोलनकारियों का साथ देने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिश सैनिकों के हमलों का प्रतिरोध करने के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। सिकंदर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई। अंडमान द्वीप में कारावास में ही 11 जून 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। स्वदेश की माटी के इस महान सपूत को हमारा नमन।